नमस्कार दोस्तों, मीटर टू बीघा यानी कि मीटर में जानते हैं तो उसको बीघा में कैसे बदलेंगे इसको जानेंगे। मीटर में क्षेत्रफल आपको मालूम है तो उसको बीघा में बदलना है दोस्तों। दोस्तों ये बीघा का मान है, 1 बीघा बराबर 2500 स्क्वायर मीटर और 1618.7 स्क्वायर मीटर भी होता है, 1337.8 स्क्वायर मीटर भी होता है और 800 स्क्वायर मीटर भी होता है। तो आपको तो अपने क्षेत्र का बीघा जानना ही पड़ेगा दोस्तों। बीघा बिस्सा बिस्वा को अपने क्षेत्र का जानना ही पड़ेगा, उसको सर्च करके जान लीजिए और समझ लीजिए। यदि इस तरह का प्लाट है, इस तरह का आपका प्लाट है, 50 मीटर लंबाई 50 मीटर चौड़ाई है, तो 50 × 50 कर लीजिए तो 2500 आता है, 2500 स्क्वायर मीटर। इस तरह मीटर में आप जानते हैं तो इतना स्क्वायर मीटर होगा, और यदि 2500 से ही इसको डिवाइड करेंगे तो बराबर 1 बीघा होगा, 25 से कम 25 यानी कि 1 बीघा। और यदि इसको 2500 बटे 800, 800 स्क्वायर मीटर का 1 बीघा होता है तो इससे डिवाइड कर दीजिए तो ये निकल आता है 3.125 बीघा, इतना बीघा। और यदि 2500 स्क्वायर मीटर को 1337.8 स्क्वायर मीटर से भाग करेंगे तो 1.868739997 इतना बीघा आएगा दोस्तों। दशमलव के बाद और भी है, इतना बीघा आता है। और ये दशमलव के बाद कितना प्लाट होता है इसको तो बता ही दिया हूं दोस्तों। ये यदि 2 डिजिट लेंगे तो इस बीघा का प्लाट का ये 86% है। और एक जान लेते हैं, इस तरह का यदि आपका प्लाट है 20 मीटर लंबाई 20 मीटर चौड़ाई, 20 × 20 कर लीजिए तो बराबर 400 होगा, 400 बटे 2500 स्क्वायर मीटर बीघा से डिवाइड करेंगे तो ये 0.16 बीघा। दोस्तों 1 बीघा को यदि 100 टुकड़ा करेंगे तो ये 16 टुकड़ा होगा, ये 400 स्क्वायर मीटर 16 टुकड़ा होगा, इतना बड़ा क्षेत्रफल होगा। दशमलव के बाद जानने के लिए पिछला वीडियो देख लीजिएगा। और यदि 400 स्क्वायर मीटर को 1618.7 स्क्वायर मीटर से भाग करेंगे, ये भी बीघा का मान है, तो ये निकल आता है 0.241111899 बीघा, इतना बीघा होता है दोस्तों। इस तरह से आप अपने यहाँ के बीघा से डिवाइड कर दीजिए, इजी है, बहुत ही आसान है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।